जमशेदपुर को प्राथमिकता मिलेगी कि नहीं, बद्री जी से सवाल। अगर सरकार सब्सिडी देगा तो हम करेंगे। अगर सरकार हमारे साथ है तो चीजें देखिए। मेरे कहने का मतलब कि हम जहां जा रहे हैं और हमारा 4 से 5 बच्चे होंगे या 10 बच्चे होंगे,
सारे बच्चे आपके ही घर के बच्चे, सारे बच्चे ऐसा नहीं कि सब अच्छा करते हैं, तो कुछ बच्चे बुरा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें गलत हो गई, पूरा फैमिली गलत है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग, और जहां तक मुझे लगता है कुछ यूट्यूबर जिनको मैंने अपने आप को पत्रकार ही बोलते हैं, जब उनको ये पता नहीं है, वो अपने चैनल का व्यूअर बढ़ाने के लिए, अब नेशनल मीडिया तो इस टाइप की टाइटलिंग नहीं करेगा ना, नेशनल मीडिया अपना दायरे में रहकर टाइटलिंग करता है, वो लोग टाइटलिंग इतने गलत कर देते हैं कि हमारा भोजपुरी, अब कोई भी चीज अगर गंदा एक आदमी करता है तो उसको 25 आदमी प्रमोट करता है कि गंदा हुआ है गंदा हुआ, तो होता क्या है कि उस गंदा को सुनने के लिए लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसको सुन लेते हैं, सुनते हैं तो कंपनी का व्यूअर बढ़ता है, व्यूअर बढ़ता है तो कंपनी भी बेहतर चीज नहीं फील कराती है। हम हमेशा देवी गीत भी गाते हैं, छठ भजन भी गाते हैं, कांवर भजन भी गाते हैं, उसके 500 मिलियन नहीं होते। तो मेरे कहने का मतलब पहले हमें खुद को बदलने की जरूरत है, हम अपनी मानसिकता को बदलेंगे तो साथ में चलने वाली लड़की हमारी सिर्फ गर्लफ्रेंड और हमारी बीवी नहीं हो सकती, हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है। अब सामने वाले के नजरिया क्या है उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते आप तय करते हैं कि हम किस रिश्ते में जा रहे हैं, क्योंकि आपका देखने का नजरिया ही वो तय करेगा कि आप किस तरह। भोजपुरी इतनी गंदी नहीं है जहाँ तक आपने पठान की बात की, तो संगीत का कोई कलर नहीं होता, संगीत की कोई जात नहीं होती, कला का कोई मजहब नहीं होता, तो हम लोग ऐसे हैं कि हम कलाकार हैं, हमारा कोई आकार नहीं है, हम सबके दिल में रहते हैं, हम सब जाति के हैं, हम सब धर्म के हैं, हम सब देश के हैं, जहाँ जहाँ हमें सुना जाता है, जहाँ जहाँ हमें पसंद की जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं गलत हमने भी किया है, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि नहीं, मैं जब मुझे समझ नहीं थी तो हमने की, और जहाँ तक हमारा भाषा है, हमारे भाषा में हम गाली सुनने के भी पैसा देते हैं, आप तो बहन की तरह हैं, और आपने भी शादी ब्याह में देखा होगा, शादी ब्याह में गालियाँ होती है उसका एक तरीका, ओके, उसका दायरा मैं समझ रहा हूँ। हम जो कह रहे हैं ना कि भोजपुरी आज भी देखिए आप ब्रांडिंग, 4 से 5 बच्चे होंगे या 10 बच्चे होंगे, सारे बच्चे आपके ही घर के बच्चे, सारे बच्चे ऐसा नहीं कि सब अच्छा करते हैं, तो कुछ बच्चे बुरा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें गलत हो गई, पूरा फैमिली गलत है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग, और जहां तक मुझे लगता है कुछ यूट्यूबर जिनको मैंने अपने आप को पत्रकार ही बोलते हैं, जब उनको ये पता नहीं है, वो अपने चैनल का व्यूअर बढ़ाने के लिए, अब नेशनल मीडिया तो इस टाइप की टाइटलिंग नहीं करेगा ना, नेशनल मीडिया अपना दायरे में रहकर टाइटलिंग करता है, वो लोग टाइटलिंग इतने गलत कर देते हैं कि हमारा भोजपुरी, अब कोई भी चीज अगर गंदा एक आदमी करता है तो उसको 25 आदमी प्रमोट करता है कि गंदा हुआ है गंदा हुआ, तो होता क्या है कि उस गंदा को सुनने के लिए लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसको सुन लेते हैं, सुनते हैं तो कंपनी का व्यूअर बढ़ता है, व्यूअर बढ़ता है तो कंपनी भी बेहतर चीज नहीं फील कराती है। हम हमेशा देवी गीत भी गाते हैं, छठ भजन भी गाते हैं, कांवर भजन भी गाते हैं, उसके 500 मिलियन नहीं होते। तो मेरे कहने का मतलब पहले हमें खुद को बदलने की जरूरत है, हम अपनी मानसिकता को बदलेंगे तो साथ में चलने वाली लड़की हमारी सिर्फ गर्लफ्रेंड और हमारी बीवी नहीं हो सकती, हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है। अब सामने वाले के नजरिया क्या है उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते आप तय करते हैं कि हम किस रिश्ते में जा रहे हैं, क्योंकि आपका देखने का नजरिया ही वो तय करेगा कि आप किस तरह। भोजपुरी इतनी गंदी नहीं है जहाँ तक आपने पठान की बात की, तो संगीत का कोई कलर नहीं होता, संगीत की कोई जात नहीं होती, कला का कोई मजहब नहीं होता, तो हम लोग ऐसे हैं कि हम कलाकार हैं, हमारा कोई आकार नहीं है, हम सबके दिल में रहते हैं, हम सब जाति के हैं, हम सब धर्म के हैं, हम सब देश के हैं, जहाँ जहाँ हमें सुना जाता है, जहाँ जहाँ हमें पसंद की जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं गलत हमने भी किया है, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि नहीं, मैं जब मुझे समझ नहीं थी तो हमने की, और जहाँ तक हमारा भाषा है, हमारे भाषा में हम गाली सुनने के भी पैसा देते हैं, आप तो बहन की तरह हैं, और आपने भी शादी ब्याह में देखा होगा, शादी ब्याह में गालियाँ होती है उसका एक तरीका, ओके, उसका दायरा मैं समझ रहा हूँ। हम जो कह रहे हैं ना कि भोजपुरी आज भी देखिए आप ब्रांडिंग, मेरे टॉप 10 में रहे, हिंदी के एक भी गाने न रहे, पुष्पा के गाने रहे और कुछ अंग्रेजी गाने, और उसमें 2 गाने हमारे रहे जिसमें से एक सारे गमा का नथुनिया और एक कोको कोला, तो ये दोनों गाने पुष्पा के आसपास रहे और लोगों ने 200 मिलियन 300 मिलियन देखा उस गाने को, और पिछले साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा उस गाने का। तो कहीं ना कहीं हमारा एक मेहनत है और आप सबकी ऊर्जा और आप सबका विश्वास हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ कि आपके विश्वास पे खड़ा।
हाँ हाँ जमशेदपुर हमसे दूर थोड़ी है, जमशेदपुर में रहने वाले हमारे दिल में है, हमें प्यार करते हैं और जहाँ लोग हमें प्यार करते हैं वो जगह हमारी हो जाती है। और यहाँ हमारे बद्री झांजी का घर है और इनका घर है तो हमारा घर है और आप सब हमारे परिवार के हिस्सा हैं और आप सबके परिवार के मैं बेटा हूँ। तो ये जमशेदपुर इंडिया में ही है और हमारे दिल में है, तो इसलिए हम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं कि हम अपनी होली शूट कर रहे थे। 5 गाने हमने किया है सारे गाने के लिए और उसी का शूट कर रहे थे, तो हम सोचे कि भाई रिलीज भी यहीं कर देते हैं। 2004 में देखा था और एक बार और मैं आया फिर यहाँ पे कार्यक्रम थे। हाँ काली पूजा में आया था, बहुत भीड़ था वहाँ पे, कार्यक्रम बहुत कम टाइम में हो पाया क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रैवल बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ अब मैं बहुत जल्द एक कार्यक्रम यहाँ करने वाला हूँ, चैरिटी शो एक करूँगा मैं जो कि कुछ लोगों के हेल्थ के लिए करूँगा, मैं फिर वो कॉस्ट आऊँगा वहाँ उसमें, ताकि हम कुछ गरीब लोगों का हेल्प कर सकें, कुछ विकलांग लोगों को हेल्प कर सकें, कुछ विधा आश्रम से लेकर अनाथ आश्रम तक चैरिटी के नाम पे मैं करने वाला हूँ, ताकि मैं अपने तरफ से अपना ऊर्जा लगाकर कुछ लोगों का हेल्प कर सकूँ। और नया क्या क्या आ रहा है? सारी थी, आप तो बहुत चर्चित हैं और आपको क्या कहना है, और भोजपुरी के बारे में अब आप इतने बड़े स्टार बन गए हैं तो लगता है कि जो मुद्दे अभी भी हैं कि कहीं ना कहीं हम जैसे हमियों के भाषा भोजपुरी है बात, तो हम जैसे लोगों को अखड़ता है जब कुछ वर्ड्स वही सब मुक्की कर आते हैं, लगता है आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मतलब आप हिट हो रहे हैं, बहुत अच्छा है, सब चीज़ ठीक है। अगर हम साउथ